हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम इलेवन के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फोर्थ टेस्ट मैच होने वाला है, तो उसमें जो भी प्लेयर हैं उनकी पिछले 10 पारियों में उनका रिकॉर्ड क्या रहा हुआ है, उन्होंने बॉलिंग में कितना परफॉर्मेंस दिया है या बैटिंग से कितना परफॉर्मेंस दिया है, उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ में क्रिक बुच पे जो फैंसी हैंडबुक है उस पे उसके अनुसार कौन मतलब क्या क्या और कौन कौन सी टीमें आप बना सकते हैं। ठीक है, और जो क्रिक बुच पे जो भी एक्सपर्ट हैं उनके अकॉर्डिंग कल कौन सी टीम ज़्यादा फायदेमंद होगी, उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही उन सारे नॉलेज के बेसिस पे हम लोग ड्रीम इलेवन पे एक परफेक्ट टीम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन सारी जानकारी के लिए यानी जो भी प्लेयर एनालिसिस है, पिच रिपोर्ट है ड्रीम इलेवन टीम के लिए, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे जो भी इस टाइप की जो भी वीडियोज हैं या जो भी मेरी वीडियोज हैं वो आप सबसे पहले आप देख पाए। ठीक है, चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। वेन्यू है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जहाँ पे ये मैच होगा। ठीक है, ग्राउंड डायमेंशन 16 मीटर स्क्वायर बाउंड्री एक साइड की है और दूसरे साइड की 71 मीटर और स्ट्रेट आपका 72 मीटर है। ग्राउंड पे घास है, ठीक है, इस वजह से बैट पे जो बॉल है काफ़ी अच्छे तरीके से आएगी, तो उम्मीद किया जा सकता है कि शुरू में अच्छे स्कोर बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा इस पर यह सरफेस स्पिनिंग सरफेस हो जाएगी, जहाँ पे स्पिनर को मदद मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद किया जा सकता है कि पहले इनिंग में जो भी बैट्समैन होंगे वो काफ़ी अच्छा खेलेंगे और बाकी जो 3 सीजन होंगे वो स्पिनर के नाम होने के सबसे ज़्यादा चांसेज यहाँ पे रहेंगे। इस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर 14 मैच हुए, फर्स्ट इनिंग का 338 है, सेकेंड इनिंग का 337 है, थर्ड इनिंग का 236 है, फोर्थ इनिंग का 147 है। ठीक है, तो यहाँ का ये एवरेज स्कोर है। ठीक है, इस ग्राउंड पे पेसर्स ने 166 विकेट्स और स्पिनर ने 247 विकेट्स लिया हुआ है, यानी यह ग्राउंड स्पिनिंग ट्रैक है। इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपका नंबर 1 रविंद्र जडेजा, सेकंड अश्विन, थर्ड अक्षर पटेल, फोर्थ स्टीवन स्मिथ, फिफ्थ रोहित शर्मा, सिक्स्थ नाथन लियन और सेवन पे एम लेबू हैं। ठीक है, इनमें से आप किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं और मेरी चॉइस होगी रविंद्र जडेजा और अश्विन। साथ में इस ग्राउंड पे यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे अक्षर पटेल का रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप इस पर चांस ले सकते हैं और जडेजा का एम लेबुचंगे के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस मैच में जीएल के लिए जो डिफरेंशियल पिक प्लेयर होंगे वो हो सकते हैं आपके ट्रेविस हेड, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शमी। ठीक है, चलिए इन सारी जानकारी के बेसिस पे अब ड्रीम इलेवन पे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फोर्थ टेस्ट मैच होने वाला उसके लिए एक हम लोग टीम बनाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं ड्रीम इलेवन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ से हमने ड्रीम इलेवन ऐप को ओपन कर लिया, फिर इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है जो कल होने वाला है इस पर हम टच कर देते हैं। ठीक है, टच करने के बाद जो यहाँ पर लिंक्स हैं वो आपको दिख रही हैं, तो हम यहाँ क्रिएट जो टीम है इस पर हम टच करते हैं। ठीक, टच करने के बाद यहाँ पे विकेटकीपर में 3 हैं, कैरी और के सीकर भारत, तो के सीकर भारत काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं। ठीक है, और जो ये पीटर हैंडसकम काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, तो आप टेस्ट में इनको प्रीफर कर दीजिए। फिर आते हैं हम लोग बैट्समैन में, तो स्मिथ एक अच्छे प्लेयर हैं लेकिन वो फ्लॉप हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा स्पिन भी खेलते हैं, तो आप इनको जीएल में चांस ले सकते हैं। ठीक है, जो ये लघुचंद संघ है ये एक ऑलराउंडर है, फिर रोहित शर्मा तो वाकई एक अच्छे प्लेयर है ही हैं, तो हम इन्हें अपने टीम में रख लेंगे। और फिर मेरी टीम में एक विराट कोहली होंगे, आप भी जानते हैं कि विराट कोहली ज़्यादा देर तक शांत रहने वाला प्लेयर नहीं है। फिर ऑलराउंडर में आपके रविंद्र जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल, ये मेरे 3 प्लेयर होंगे। ठीक है, टीम आने और चाहे तो आप यहाँ पर ट्रेविस हेड को भी प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बॉलिंग में हम लियोन जो कि काफ़ी अच्छे के गेंदबाज हैं इनको हम ले रहे हैं। ठीक है, और इंडिया के तरफ से आपके हम फिलहाल यहाँ से कुकुन्हेमन जो है इनको ले रहे हैं। ठीक है,
और एक ऑलराउंडर में आपके या हम यहाँ से मोहम्मद सिराज को ले ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डेमो टीम है जो हम ये बना रहे हैं। टीम न्यूज आने के बाद ये टीम चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कीजिएगा। तो हम यहाँ पे कैप्टन फिलहाल नाथन लियोन को बनाते हैं और वाइस कैप्टन हमारे रविंद्र जडेजा होंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे कैप्टन अश्विन और वाइस कैप्टन मानस यानी एम लेबूस को आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके दो दोस्त दूसरे च्वाइस हो सकते हैं। तीसरे आपके कैप्टन अश्विन और वाइस कैप्टन जडेजा के साथ भी आप जा सकते हैं, या कैप्टन अश्विन और वाइस कैप्टन स्मिथ के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। यह आपका तीसरा च्वाइस है। एक मगर रिस्क लेना चाहें तो आप कैप्टन विराट कोहली और वाइस कैप्टन आप रविंद्र जडेजा को बना के आप चांस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने अपनी टीम को सेव करके फिर हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो जो ये मेरी टीम है यहाँ पर आप फिलहाल देख सकते हैं। बाकी आप भी ये टीम तैयार कर लीजिएगा और जैसे ही टीम न्यूज आए तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टीम चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपकी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।